भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता जान लो तो आपको पता चलेगा कि आप भी उन्हीं की संतान हो, क्योंकि भगवान कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनम। ये देही जो है उसका जन्म नहीं होता है, देह का जन्म होता है, देही का जन्म नहीं होता। देह की मृत्यु होती है, देही की मृत्यु नहीं होती है। जीवात्मा की मौत नहीं होती है, जीवात्मा की मौत नहीं होती और जीवात्मा का जन्म नहीं होता, शरीर का जन्म दिखता है। अब शरीर को मैं मानते हैं, संसार को मेरा मानते हैं, तो कर्म की वासना और बंधन बढ़ता है, तो जीव अदिव्य हो जाता है। भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को जो जान लेता है वो देह छोड़ने के बाद पुनर्जन्म में नहीं फंसता। भगवान के कर्म और जन्म दिव्य है, इसको जानने से, एक को जानने से दूसरे की पोलपट्टी खुल जाती है। भगवान का आत्मा को जानने से अपने आत्मा पर जो आच्छादित पोलपट्टी है जन्म और मृत्यु का, वो खुल जाता है। तो जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। गीता का चौथा अध्याय नौवां श्लोक है। हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। साधारण आदमी सुख की लालच से, वासना के वेग से, कर्म के बंधन से जन्म लेता है, लेकिन भगवान सुख की लालच से, वासना के वेग से, कर्म के बंधन से जन्म नहीं लेते। तो अपन भी वासना के वेग से, सुख की लालच से और कर्म के बंधन से जो मुक्त स्वरूप है उसका चिंतन करें, उसका ज्ञान पाले, तो अपनी भी ऐसी ऊंची गति हो जाती है। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। इस प्रकार जो तत्व से जान लेता है कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, ऐसा जो जान लेता है, वह देह का त्याग करने के फिर पुनः जन्म नहीं लेता, मुझको ही प्राप्त हो जाता है, अनिष्ट की निवृत्ति हो जाती है और सुख की लालच नहीं रहती है, सुख अपने दिव्य स्वभाव का आने लगता है। तो ये भगवान का जन्म कर्म दिव्य है, ऐसा जानने से आप अपने आत्मा की दिव्यता को स्वीकार कर लेंगे कि शरीर मरने के बाद मैं रहता हूँ, दुख आता तब भी मैं रहता हूँ, दुख चला जाता तब भी मैं रहता हूँ, सुख आता तब भी मैं रहता हूँ, सुख चला जाता तब भी मैं रहता हूँ। शरीर का जवान बाल्यकाल आया, किशोर अवस्था आई, जवानी आई, बुढ़ापा आया, मौत आई, फिर भी मैं इसको जानने वाला हूँ, मैं इनसे एकाकार हो गया था। ये भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता नहीं जानी, इसलिए अपने जन्म कर्म की दिव्यता का ज्ञान से मैं अछूता था। अब भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता जानकर भगवान ही मेरे आत्मा होकर बैठे। जैसे भगवान अविनाशी है, ऐसे मेरा आत्मा अविनाशी है। जैसे भगवान अजन्मा है, ऐसे मेरा आत्मा अजन्मा है। तो ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। भगवान बोलते हैं कि जीवात्मा मेरा ही अंश है और सनातन है। तो भगवान का जन्म कर्म दिव्य मानने से आपके दिव्य स्वभाव की आपको स्मृति हो जाएगी। तो तीन फायदे होंगे। एक फायदा होगा कि अनजानापन अज्ञान मिटेगा।
अज्ञान मिटते ही आपको अपना प्रिय अपना हितेशी बाहर अथवा कालांतर में मिले ऐसा नहीं, यही आपका प्रिय अपना आत्मदेव यही मौजूद है ये पता चलेगा। पुनर्जन्म न विद्यते, तो फिर पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। पुनर्जन्म का दुख तो मिटेगा लेकिन विशेष फायदा होगा। मामेति अर्थात भगवान को जान लोगे। एक तो अज्ञान मिटेगा, दूसरा पुनर्जन्म का दुख मिटेगा, तीसरा भगवान के स्वभाव को अपने स्वभाव से एकाकार जान लोगे। जैसे भगवान का आत्मा नित्य है ऐसा मेरा आत्मा नित्य है। जैसे भगवान सृष्टि के दृष्टा है ऐसे हम शरीर के मन के बुद्धि के दृष्टा है। जैसे भगवान की सृष्टि उत्पन्न होती है स्थित होती है और परलय हो जाती है और भगवान जो के त्यों रहते, ऐसे हमारे को भी स्वप्न में सृष्टि बनाने का सामर्थ्य है। रेलगाड़ी बन जाती है, मुसाफिर बन जाते, खेत खली बन जाते, फिर ये बन जाते हैं अजमेर का मीठा दूध बेचने वाले और पीने वाले बन जाते हैं, आबू की रबड़ी, नड़ियादना गोटा, मुंबई का हलवा, ये सब सपने में हम बना लेते। तो सपने में हम बना लेते हैं उस समय अच्छा बुरा भला बुरा सच्चा झूठा सब दिखता है, लेकिन आंख खुली तो हमारी सत्ता से सारी सपने की चीजें बन बन के बदली, फिर भी हमारा चैतन्य जन्म कर्म चमे दिव्यम। जैसे भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है ऐसे मेरे अंतरात्मा का अनेक रूप होना दिखना और परलय हो जाना फिर भी जो का त्यों है। तो आपको भगवत विश्रांति मिलेगी, भगवत ज्ञान मिलेगा। तो वास्तव में जन्म दिवस मनाना उसी का सार्थक है जिसके जीवन में भगवत ज्ञान हो। जिसका कोई जन्म नहीं होता वो हम है, जन्म हमारा नहीं होता, शरीर का जन्म दिखता है। दुख हमको नहीं होता, मन को दुख होता है। बीमारी हमको नहीं होती, शरीर को बीमारी होती। बचपन जवानी बुढ़ापा हमारा नहीं होता, तो वास्तव में हमारा आत्मा भी दिव्य है। तो परमात्मा के दिव्य आत्मा को जान लेंगे तो अपने आत्मा का पोलपट्टी खुल जाएगा। मैं गरीब हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बनिया हूँ, मैं फलाना हूँ, ये सब पोलपट्टी की कल्पना है। वास्तव में मैं भगवान का अनादि अनंत ब्रह्म का सनातन सपूत हूँ। तो भगवान का जन्म नहीं है और मृत्यु नहीं है तो मेरा भी जन्म नहीं है, मेरी भी मृत्यु नहीं है। जन्म और मृत्यु शरीर का धर्म है, भूख और प्यास प्राणों का धर्म है, सुख दुख मन का है। उसको जानने वाला मुझ आत्मा का जन्म और कर्म बंधन नहीं है। तो आपके कर्मों में दिव्यता आएगी, बीते हुए का शोक नहीं करोगे, भविष्य का भय नहीं होगा, वर्तमान में लोलुपता चली जाएगी, अपने आत्मा की दिव्य प्रीति प्राप्त होगी। भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। जो प्रीति पूर्वक भजता है अपने जन्म कर्म दिव्य वाले स्वभाव का, जो चिंतन करता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। मामेति मुझे प्राप्त हो जाता है, अर्थात जैसे चंद्रमा मूल चंद्रमा लाखों लाखों घड़ों में दिखे, लाख लाख चांद दिखे, फिर भी वो एक ही चांद और लाखों चांद होकर दिख रहा है। एक ही सूरज और लाखों लाखों करोड़ों करोड़ सूरज होकर दिख रहा है। ऐसे एक ही हमारा परब्रह्म परमात्मा अनेक शरीर में अनेक मनों में अनेक तनों में अनेक रूप दिख रहा है, फिर भी हो एक का एक है। कि आपका वास्तविक में जन्म था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, ये जन्म होता है शरीर का। आप शरीर के पहले थे, अभी हैं, मरने के बाद भी रहेंगे। आप अपने दिव्य स्वभाव को जानकर
दिव्य कर्म में लग जाइए। जन्म कर्म च मैं दिव्यम, भगवान बोलते हैं मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, ऐसा जो तत्व से जानता है वो मुझे प्राप्त हो जाता है। भगवान को, भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है ऐसा जानने से आप भगवान को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि भगवान का आत्मा परमात्मा और आपका आत्मा एक ही जात का है। जैसे घड़े का आकाश और महाकाश एक ही जात का है, चंद्रमा का प्रतिबिंब और चांद एक ही जात का है, सूरज और सूरज का प्रतिबिंब एक ही जात का है, ऐसे ही आत्मा परमात्मा की जात का है और शरीर संसार की जात का है। संसार बदलता है तो शरीर भी बदलता है, लेकिन आत्मा जो कहते हो बचपन बदल गया उसको जानने वाला, जो कहते हो बचपन के दुख सुख बदल गए, जवानी बदली, शादी के दिन बदले, बधाई के दिन बदले, उलाहने के दिन बदले, दोषारोपण के दिन बदले, जय जयकार के दिन बदले, उसको जानने वाला आपका आत्मा आप जो के त्यों है। तो जैसे आप जो के त्यों है तो भगवान भी जो के त्यों है, तो भगवान का आत्मा और आपका आत्मा एक ही तत्व है। तो इस प्रकार का भगवत संसार से पृथक होकर संसार का ज्ञान होता है, लेकिन भगवान से प्रीति करके एकाकार होकर भगवान का ज्ञान होता है। तो आप भगवान के सनातन सपूत हैं। भगवान मेरे आत्मा है, चैतन्य है, ज्ञान रूप है, सुख रूप है, शाश्वत है। जन्म मृत्यु बुढ़ापा शरीर का होता है, संसार का होता है, भगवान का भी नहीं होता, मेरा भी नहीं होता। इस प्रकार का आपको दिव्य ज्ञान होने से आप भगवत प्राप्ति में एकदम छलांग मार लेंगे। जैसे शिव जी ने देखा कि पार्वती को मायके जाना है, शंकर सहज स्वरूप संभारा लागी समाधि अखंडा पार। अपने आत्म स्वरूप में कोई फरियाद नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई दुख नहीं है। मन का चाह नहीं होता तो व्यक्ति दुख मनाते हैं, मन का चाह होता है तो सुख मानते हैं, लेकिन सुख होकर चला जाता है, दुख होकर चला जाता है, फिर भी जो रहता है वो दिव्य स्वभाव है अपना। तो शिव जी को अपना दिव्य स्वभाव याद है, इसलिए शिव जी शंकर सहज स्वरूप संभारा लागी समाधि अखंड अपारा। तो भगवान के कर्म को और जन्म को दिव्य जाने तो आप भी अपने दिव्य स्वभाव में जग जाएंगे। तो महात्मा का जन्म दिवस मनाने से हमको क्या फायदा होता है कि हमको ये ज्ञान होता है। जैसे महात्मा का जन्म और कर्म दिव्य है तो जो भक्त का भी जन्म और कर्म दिव्य होना आसान हो जाएगा। अहंकार को पोषने के लिए कर्म साधारण आदमी करता है, महात्मा कर्म करेंगे तो दूसरों को सद प्रेरणा मिले, सद ज्ञान मिले। स्वर्ग की बात करेंगे ताकि लोग संयम से रहें, नरक की बात करेंगे तो पाप से बचे, पाप से बचाने के लिए महात्मा की प्रवृत्ति है। स्वर्ग के आकर्षण से बचाकर स्वर्गीय काम करने के लिए महाराज प्रेरणा करते, और इन दोनों को नन्हा करके स्वर्ग और नरक जिससे प्रतीत होता है उस परमात्मा में विश्रांति, परमात्मा में ज्ञान और परमात्मा में प्रीति दिलाने की प्रवृत्ति होती है महात्मा की। इसलिए महात्मा की तिथि मनाते हैं या जन्म जयंती मनाते हैं तो हम लोगों को लाभ होता है। महात्मा तो जानते हैं कि हमारा जन्म ही नहीं है तो जन्म दिवस क्या मनाना, फिर भी लोग मनाते हैं तो उस बहाने लोक संग्रह की प्रवृत्ति होती है, लोक मांगल्य का कार्य होता है। मेणबत्ती को फूंकते थूकते केक काटते हैं वो तो देहाभिमान बढ़ाने वाला जन्मदिवस, लेकिन दिए जलाकर अंधकार में प्रकाश की विजय, वासना पर निर्वासना की विजय, अहंकार पर निरहंकारिता की विजय, द्वेष पर प्रीति की विजय। तो ये ज्ञान प्रकाश होता है, कांटों को फूलों में बदलने की कला, वैर को प्रीत में बदलने की कला, हार को जीत में बदलने की कला और मौत को मोक्ष में बदलने की कला सीखने का नाम है जन्म कर्म च मे दिव्यम।
यो वेति माम तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, इस प्रकार जो तत्व से जान लेता है वह देह का त्याग करने के बाद फिर पुनर्जन्म नहीं लेता, मुझको ही प्राप्त हो जाता है। अनिष्ट की निवृत्ति हो जाती है और इष्ट स्वरूप आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है और आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। आत्मज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है, आत्म सुख से बढ़कर कोई सुख नहीं है और आत्म विश्रांति से बढ़कर कोई सामर्थ्य का साधन नहीं। तो जो भी सेवा कार्य करते हैं तो करने का राग मिटाते, भोगने की लालच मिटाते और भगवान और गुरु के नाते परहित करते, उन साधकों को आज जो आनंद आता होगा, जो कीर्तन में मस्ती आती होगी या गरीबों को भोजन कराने में जो संतोष का अनुभव होता होगा, विद्यार्थियों को नोटबुक बांटने में जो आनंद आता होगा, अथवा जो गांव के चौराहों पर मजदूरी के लिए खड़े हो रहते हैं सुबह 100-100, 200-200, 50, कहीं 200, कहीं 100, कहीं 300, देश भर में ऐसे कड़िया काम और मजदूरी काम में जाने वाले लोगों को आज के दिन के निमित्त टोपी पहनाने का अभियान चलाया था। ये सिंथेटिक चुनावी टोपी 2.5 रुपए वाली नहीं, कपड़े की टोपी 15 रुपए वाली, गरीबों को बांटो 20 वाली, 15 वाली, 25 वाली, गरीबों को टोपी पहनाओ। और टोपी पहनने से याद शक्ति जो कमजोर होती है उसकी रक्षा होगी, नेत्र की ज्योति कमजोर होती है उसकी रक्षा होगी, सुनने की शक्ति जो बुढ़ापे में कमजोर होती है उसकी रक्षा होगी। तो इस बहाने लाखों टोपियां आज बटी, 80,000 तो दिल्ली में दे दिए थे 9 और 10 तारीख, 80,000 टोपियां तो दिल्ली के इलाके में, अहमदाबाद और दूसरी समितियों में, तो आज के दिन लाखों टोपियां बटी होगी गरीबों के लिए, और लाखों बच्चों को भोजन हुआ होगा, लाखों लाखों कापियां छपी हो बटी होगी, छपी थी सस्ते में, और औषधालयों में, अस्पतालों में और जगहों पर जिसको जहां भी सेवा मिली उन्होंने सेवा ढूंढी होगी। तो अपने स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं तो कर्म बंधन हो जाता है, पर हित के लिए कर्म करते तो कर्म दिव्य हो जाता है। अपने देह की ममता से जीते हैं तो तुच्छ जीवन हो जाता है, आत्म प्रीति से जीते हैं तो दिव्य जीवन हो जाता है। तो भगवान जीते हैं परहित के लिए, महात्मा जीते हैं परहित के लिए, तो महात्मा और भगवान का अनुसरण करने वाले आज लाखों लाखों शिष्य भी परहित में लगे, इस बात की मुझे प्रसन्नता है और इस बात की मैं बधाई देता हूँ इंटरनेट के द्वारा और दूसरे साधनों के द्वारा। देश भर के विदेश में जो भी साधक सेवा कार्य ढूंढ रहे कर रहे हैं, कहीं उन्होंने अखंड रामधुन रखी है तो कहीं उन्हें पाठ रखा है, भोजन भाजन आरती पूजा जो जिसको जहां जैसा जैसा अनुकूलता पड़ी है, हजारों हजारों जगह पर आज जन्मदिवस के निमित्त अपने जन्म को और कर्म को दिव्य बनाने का अवसर जिन साधकों को मिल रहा है उन साधकों को मैं बधाई देता हूँ। बापू आपको जन्मदिवस की बधाई है, बापू का जन्मदिवस की बधाई बापू नहीं स्वीकार करते, लेकिन बापू के जन्मदिवस की बधाई के निमित्त मेरे लाखों लाखों साधकों का जन्मदिवस हो रहा है दिव्य और कर्म हो रहे दिव्य। जन्म कर्म च मे दिव्यम। साधारण आदमी अपने स्वार्थ से काम करता है, भगवान परहित के लिए काम करते हैं, महात्मा परहित के लिए काम करते हैं, तो महात्माओं का जन्मदिवस मनाने वाले तुम लोग भी आज परहित के लिए काम कर रहे, तो आज तुम्हारे कर्म दिव्य हो गए। और शरीर मैं हूं ये गलती निकाल दो, शरीर के बाद भी मैं रहता हूं, तो तुम्हारा जन्म भी दिव्य हो गया। इस प्रकार का मानने से आपको पुनर्जन्म, सुख की लालच, दुख का भय, शत्रु से बदला लेना और मित्र से मिलते रहना जन्म जन्म, यह आसक्ति का भंडाफोड़ कार्यक्रम हो जाएगा। मित्र तो कहीं कहीं मिलेगा लेकिन सब में मित्र छुपा है तो आनंद ही आनंद है।
शत्रु से बदला क्या लो, शत्रु अहंकार मिटाने के लिए, लापरवाही मिटाने के लिए विघ्न बाधा और शत्रु की व्यवस्था है प्रकृति की, और विषाद और निराशा मिटाने के लिए मित्र की व्यवस्था है। तो मित्र शत्रु सफलता विफलता देकर भगवान हमारा भी जन्म कर्म दिव्य बनाना चाहते हैं। तो महात्मा का जन्म जयंती मनाना अर्थात अपने जन्म कर्म को दिव्य बनाना है, भगवान के जन्म कर्म को दिव्य मानना अर्थात अपने जन्म कर्म की दिव्यता को जानना है। जैसे सूर्य नारायण को अर्घ्य देते तो अपनी बौद्धिकता और आरोग्य की वृद्धि होती, ऐसे ही महात्मा और भगवान का जन्म कर्म को जानने से हमें अपना भी जन्म कर्म दिव्य प्राप्त होने लगेगा। हरि ओ हरि।